Julius Turis. I am Selim Utup. Presently, I am posted at High School Korzok. Today, I will teach you biology. In biology, I choose a chapter, Control and Coordination. आप लोगों को पता होगा, इससे पहले बहुत सारे साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, तो उसमें से बायोलॉजी में जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, वो आप लोगों ने किया है मेरे ख्याल से, और उसमें थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन, वो भी आप लोगों ने कवर किया है, यहाँ पे कवर किया होगा इसके थ्रू। और आज मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे दो टर्म है, एक कंट्रोल एक कोऑर्डिनेशन। ओके, कंट्रोल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है किसी चीज को कंट्रोल करना, या कोई भी चीज होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कंट्रोल, फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रैफिक होगा, बहुत सारे गाड़ियां जमा होंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गाड़ियां जमा होंगे, तो यहाँ वहां गाड़ी जाने के लिए वहां पे दिक्कत होगा, तो वहां पे क्या होता है, कंट्रोल कौन करता है, वहां पे ट्रैफिक पुलिस होंगे, ठीक है, तो और ऐसे उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह इस साइंस में ये कंट्रोल वर्ड्स कहाँ से आया, यहाँ पे कंट्रोल जो वर्ड्स है ये आया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं जैसे कि आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा। अब वो सारे बहुत सिस्टम होता है, उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए अब हमारे बॉडी में जो मेन एक ऑर्गन है उसको बोलते हैं ब्रेन। अब वही ब्रेन जो है वही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल वहीं से आया है, कंट्रोल का यहाँ पे साइंस में आने का मतलब है, कंट्रोल बायोलॉजी में कंट्रोल का मतलब वही है, उसी चीज को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे दूसरा टर्म है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल या एकजुट होकर करना, ठीक है। अब कोई भी वो सारे जितने भी ऑर्गन है उसको एकजुट होकर काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है कि कोई ऑर्गन यहाँ पे काम कर रहा है एट अ टाइम, वही दूसरा ऑर्गन वहां पे काम करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ काम करने के लिए कंट्रोल भी होगा, ठीक है। तो वो कंट्रोल कौन करता है, हमारे बॉडी में जो ब्रेन है वही कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल को हम बाद में थोड़ा वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन को मैंने अब ये कंट्रोल जो ब्रेन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रेन है उस वो कंट्रोल कैसे करते हैं, अब ये ब्रेन कंट्रोल करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ। तो कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे करेंगे, उसके पास दो चीज है उसको। अब ब्रेन जो है मेन क्या है उसका, उसका है कि वो थिंकिंग यूनिट है, डिसीजन टेकर है, ठीक है, डिसीजन मेकर बोल सकते हैं आप। अब ये डिसीजन मेकर जो है किसके थ्रू करता है, यहाँ पे मैं और ये कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेशन करने के लिए यहाँ पे दो टर्म यूज करूंगी। एक है हॉर्मोनल, HORMONAL, हॉर्मोनल, ओके, एक हो गया हार्मोनल। हार्मोन के थ्रू क्या करते हैं उसको कोऑर्डिनेशन, पूरा ऑर्गन जो है उसको कोऑर्डिनेशन करके रखते हैं, चलाते हैं या उसको फंक्शन, यही हार्मोन करते हैं। अब दूसरा जो मैं लूंगा यहाँ पे नर्वस सिस्टम, ठीक है, NERVOUS, नर्वस सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हार्मोनल, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन होता है केमिकल, ओके, एक केमिकल होता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम क्या होंगे, इसमें क्या होता है, केमिकल के थ्रू क्या करता है, पूरे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होगा उसको सिग्नल भेजते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए पूरा। अब उसी तरह नर्वस सिस्टम में क्या होगा, नर्वस सिस्टम में होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस, या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हैं आप, ठीक है, ओके, इसके थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे हार्मोन और नर्वस सिस्टम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन के थ्रू जो सिग्नलिंग होता है या मैसेज भेजा जाते हैं वो प्लांट्स में भी होता है एज वेल एज एनिमल में भी होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में भी और इट प्रेजेंट बोथ इन plants and animals, इन सारों में होता है, ठीक है, प्लांट जो होगा एनिमल सब में ये जो हार्मोन है वो पाया जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है
वो सिर्फ किस में होगा, एनिमल्स में प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो आपने कभी भी आपने पेड़ काटा होगा या कुछ भी काटा होगा, तो पेड़ जो होता है उसके अंदर आप कभी नहीं देखेंगे, वहाँ पे नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम मतलब उसके अंदर ब्रेन आते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जो बहुत सारे नर्व्स होते हैं, जो एनिमल्स में देखा जाएंगे, और ये जो प्लांट्स है उसमें बिल्कुल नहीं होता। इट्स ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। ओके, ये हो गया जी। अब ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल एंड द नर्वस सिस्टम। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, इसमें अब यहां पे देखेंगे हम एडवांटेजेस, ठीक है। अब ये हार्मोन का जो कंट्रोल होता है, अब प्लांट्स में क्या होता है, इसमें कुछ हद तक या एक्सटेंट तक क्या होता है, ये कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेड़ आपने देखा होगा, पेड़ में उसका कंट्रोल जो होता है वो उतना नहीं होता है। तो हर जगह से आप जहां पे उसका जो हार्मोन होता है, जैसे कि ऑक्सिन है, जिबरलिन है, जो वही हार्मोन क्या करता है, जहां पे होगा वहां से क्या होता है, उसका ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जहां पे ये ऑक्सिन वगैरह ज्यादा होगा, हार्मोन ज्यादा होगा, प्लांट का हार्मोन होगा, वहीं से ग्रो करेंगे। अब एनिमल्स में क्या होता है, बहुत सारे हद तक या बहुत सारे एक्सटेंट तक इट कैन कंट्रोल, ठीक है। अब कंट्रोल क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बहुत सारे ये 10 उंगलियां है, ठीक है। तो ये उंगलियां क्या होता है, यहाँ ये थंब है, ये भी थंब है, तो इन दोनों का सिमेट्री मीन्स बराबर क्या होता है, ग्रोथ होता है। अगर प्लांट में क्या हम क्या देखते हैं, एक तरफ से लीव निकल गया, एक तरफ से क्या होता है, लीव नहीं निकलता है, जहां पे हार्मोन ज्यादा हो उसी तरफ से क्या होता है, उसका लीव निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये बॉडी जो है दोनों तरफ से क्या होता है, सिमेट्रिकली क्या होता है, ग्रोथ होता है। ओके, ये अब ये क्या हो गया, नर्वस सिस्टम ये हार्मोन क्या होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, मगर प्लांट में क्या होगा, प्लांट में कुछ हद तक कंट्रोल करके रखता है उसको ग्रोथ करने में। अब एनिमल्स में क्या होगा, बहुत सारे हद तक क्या करेंगे, उसको क्या करके रखता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। ओके, अब एडवांटेजेस में क्या हो गया, एडवांटेजेस मतलब इसको ये क्या करता है, इन एनिमल्स इट कैन कंट्रोल मोर एक्सटेंट, बहुत सारे एक्सटेंट हट तक क्या करके रखता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, और प्लांट्स में उसमें उतना कंट्रोल नहीं रहता है। ओके, अब क्या है, अब मूवमेंट में देखा जाए, मूवमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हिलना, तो एक तरफ एनिमल को रखना है, एक तरफ प्लांट को रखने आप रख के हम सोच सकता है। हम प्लांट एनिमल में क्या देखते हैं, इसका मूवमेंट जो है चलते रहता है, ठीक है, हम देख सकते हैं आराम से, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एनिमल को या इस जगह से उस जगह हिलते हुए देख सकता है, प्लांट्स इन केस ऑफ प्लांट हम नहीं देख सकता है, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होगा, हम नहीं देख सकता है, मगर उसमें मूवमेंट होता है, इट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। अब होता है, हाँ होता है, ठीक है, कईयों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब कैसे होता है, उसमें मूवमेंट कैसे होता है, होता है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इन एडिशन In addition to movement of plants, okay. अब movement, plants का जो movement है, हम observe कैसे देखते हैं उसको, हम कैसे उसको observe कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या होता है, पहले हमने डिस्कस किया है, जैसे कि हार्मोन होता है, तो प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ अब इसमें आ गया। अब इसमें क्या होता है, प्लांट जो किस तरफ मूवमेंट करेंगे, अब स्टिमुलस की तरफ। अब स्टिमुलस बोले तो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज, द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू विच प्लांट कैन मूव, ठीक है, या डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन जो होगा वो मूव करेंगे, ठीक है। तो अब स्टिमुलस क्या होता है,
स्पेंस ओके स्टिमुलस क्या होता है द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल्स गिव रिस्पॉन्स ठीक है अब ये जो है स्टिमुलस वो इसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कुत्ता होगा उसके एक बच्चे होंगे कुत्ता क्या करते हैं अपने माँ को काटते हैं तो काटना क्या होता है काटना होता है स्टिमुलस ठीक है स्टिमुलस अब काटने का मतलब है वो उस अपने माँ को काट रहा है और वहां से अब उस कुत्ता क्या कर रहा है मुंह खोल के वो शोर कर रहा है उसका मतलब है उसको क्या हो रहा है पेन हो रहा है पेन पेन का मतलब है उसको मुंह खोलने का पेन का मतलब है पेन है कि उसको रिस्पॉन्स दे रहा है स्टिमुलस को रिस्पॉन्स काटना हो गया स्टिमुलस और जो भोग रहा है या चिल्ला रहा होगा वो है उसको रिस्पॉन्स कर रहा है ठीक है तो ऐसा है स्टिमुलस उसके कहते हैं अब ऐसा जो स्टिमुलस ये जो है रिस्पॉन्स या स्टिमुलस जो है ये प्लांट में भी हम देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे बहुत सारे इसका टाइप्स होगा अब ये इसका टाइप्स है नंबर वन फोटोट्रोपिज्म ओके फोटो मतलब क्या होता है फोटोट्रोपिज्म फोटो मीन्स लाइट ठीक है प्लांट्स गिव रिस्पॉन्स टू द लाइट द पार्ट ऑफ द प्लांट टू गिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट अब ये हो गया फोटो का मतलब है लाइट ओके अब प्लांट्स में क्या होता है वो भी मोमेंट शो करते हैं ठीक है प्लांट्स ऑल्सो शो मोमेंट ओके यहाँ पे है प्लांट्स क्या करते हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं अब ये जो क्या है मूवमेंट जो है दो तरह के होता है उसमें ठीक है एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट एक होता है नेस्टिक मूवमेंट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेस टू द स्टिमुलस वो क्या करते हैं रिस्पॉन्स कैसे देता है स्टिमुलस के थ्रू डायरेक्ट देता है ठीक है तो यहाँ पे उसका टाइप्स है फोटोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म कीमोट्रोपिज्म एंड थिक्मोट्रोपिज्म अब नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस यहाँ पे एग्जांपल लिया यहाँ पे एक प्लांट होगा मिमोसा प्लांट ठीक है या आप उसको बोलते हैं छुई मुई बोलते हैं या टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं ठीक है अब वहां पे क्या होता है जब हम उसको टच करते हैं तो उसका जो लीफ होगा उसके स्टॉक से क्या करते हैं वो जैसे हम टच करेंगे टच को रिस्पॉन्स करके वो क्या करते हैं वो वहां से फोल्ड करने लग जाता है ठीक है अब फर्क क्या होता है ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शनल होता है इसमें क्या होता है नॉन डायरेक्शनल ओके ये जो डायरेक्शनल जो है ये क्या होगा इररिवर्सिबल ये रिवर्स नहीं होंगे ठीक है तो क्या होता है इसका फॉर एग्जांपल यहां पे फोटोट्रोपिज्म हम यहां पे देख रहे हैं ठीक है फोटोट्रोपिज्म फोटो फोटो मींस लाइट अब क्या है ये प्लांट में हम पढ़ रहे हैं ओके प्लांट्स का जो पार्ट होगा जो लाइट को रिस्पॉन्स करेंगे उसको कहते हैं हम फोटोट्रोपिज्म अब जो प्लांट्स का जो पार्ट होगा उसमें प्लांट्स जैसे कि ऐसा एक गमला होगा ये गमला होगा ठीक है तो ये इसके इसमें क्या होता है हम एक प्लांट लगाते हैं ऐसे करके समझ तो इसका ऊपर वाले को हम बोलते हैं शूट अब नीचे इसके नीचे क्या होगा इसके अंदर होगा इसमें होगा रूट अब यहां पे क्या कर रहा है इसका जो इस प्लांट्स का जो ये जो शूट है वो हमेशा रिस्पॉन्स किसको करते हैं लाइट को करते हैं तो इसको बोलते हैं हम अब जो लाइट को उसको लाइट चाहिए होता है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है लाइट की ओर उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म ओके पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म अब इसके जो नीचे वाला जो रूट है वो लाइट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ठीक है दिस पार्ट द रूट इट कैन ये क्या कर रहा है रिस्पॉन्स कर रहा है ये इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है अब ये क्या करेगा ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट ठीक है अब इसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म अब जो प्लांट का जो पार्ट होगा जो लाइट को रिस्पॉन्स करेंगे उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्योंकि वो पॉजिटिविकली क्या कर रहा है वो लाइट को रिस्पॉन्स दे रहा है अब इसका जो जो पार्ट होगा जो प्लांट का पार्ट यहां पे क्या है रूट है रूट क्या कर रहा है लाइट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो ये क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है अवे फ्रॉम द सनलाइट अब ये हो गया नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म अब वैसे ही क्या होता है अब यहां पे एक हो गया फोटोट्रोपिज्म ठीक है अब नंबर टू है जियोट्रोपिज्म ओके यहां पे जियो है
जियो मीन्स अर्थ या ग्रेविटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अर्थ या ग्रेविटी। अब जो प्लांट्स का जो पार्ट होगा जो अर्थ को रिस्पॉन्स करेंगे उसको बोलते हैं हम जियोट्रॉपिज्म। अब जो प्लांट्स, एक प्लांट ले लो, प्लांट में क्या होता है, रूट और शूट। अब यहां पे क्या होगा, प्लांट का जो रूट होता है वो हमेशा किस तरफ ग्रो करते हैं, वो रूट की तरफ, सॉइल की तरफ करते हैं या अर्थ की तरफ करते हैं। अब यहां पे जैसे ऐसे ही प्लांट ले लो, प्लांट में क्या हो रहा है, ये जो प्लांट है, प्लांट का जो ये रूट है, रूट क्या कर रहा है, किसको रिस्पॉन्स कर रहा है, रूट किसको कर रहा है, जियो मतलब अर्थ को रिस्पॉन्स कर रहा है। अब इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अर्थ को रिस्पॉन्स कर रहा है, इसलिए ये जो रूट है क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब उसी का जो शूट होगा, ये जो स्टेम या शूट होगा, ये क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे अवे फ्रॉम दी सॉइल या माने अर्थ, ठीक है। तो उसका मतलब है ये क्या कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, उसके बाद नंबर थर्ड आया हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो, हाइड्रो यहां पे आ गया जियो, यहां पे फोटो, फोटो मींस लाइट, जियो मींस ग्रेविटी या अर्थ, यहां पे हाइड्रो मींस वाटर। अब ये प्लांट ले लो, प्लांट में क्या होगा, इसका रूट, रूट जो होगा हमेशा क्या करता है, इट्स ग्रो टुवर्ड्स दी वाटर। अब इसी तरह क्या होता है, इसका जो शूट होता है वो वाटर से ग्रो करेंगे अवे फ्रॉम द वाटर। ओके, जैसे कि ये है, ये जो गमला ले लो, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट जो होगा, प्लांट का जो शूट होगा वो हमेशा क्या करेंगे, ग्रो अवे फ्रॉम दी जैसे कि वाटर। अब ऐसे ही उसका जो रूट होगा वो क्या करते हैं, इट ग्रो टुवर्ड्स दी वाटर। इसका मतलब है ये जो शूट रूट जो है क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। okay. ट्रॉपिज्म। ओके, फोर्थ जो टाइप्स है वो है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म कीमोट्रॉपिज्म यहां पे भी क्या है, कीमो, कीमो जो वर्ड्स है उसका मतलब है केमिकल्स। ओके, केमिकल द पार्ट ऑफ द प्लांट विच गिव रिस्पॉन्स टू द केमिकल इज नोन एज, उसको बोलते हैं हम केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एग्जांपल लेते हैं, एक प्लांट होगा, प्लांट का जो फ्लावर्स जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, जो जैसे कि ये जो फ्लावर है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, ओके, यहां पे ये जो है मेल पार्ट है, मेल पार्ट से क्या करता है, ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, यहां से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पे, स्टिग्मा, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। तो यहां पे क्या करता है, ये यहां पे बैठता है, तो यहां पे जो पोलन होगा, यहां पे जो पोलन होगा, यहां से क्या अराइज होता है, यहां से पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब का जो ग्रो करना ये किस तरफ करता है, फीमेल की जो गाइनोशियम है, जो फीमेल का जो गेमेट्स होगा, जैसे कि यहां पे क्या होगा, एक, इस एक की तरफ क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या, ये पोलन ट्यूब जो है ग्रो करता है। अब ये क्यों हो रहा है, यहां पे केमिकल की वजह से हो रहा है, इसको बोलते हैं केमिकल कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया यहां पे फिर थिकमोट्रॉपिज्म। थिकमो ट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट। अब ये थिकमोट्रॉपिज्म, थिकमो मींस क्या होता है, टच, TOUCH, टच, या मैंने हम इसको कह सकते हैं, इसको हम सपोर्ट। अब यहां पे क्या है, प्लांट क्या करते हैं, कुछ जो प्लांट होता है जैसे कि क्लाइंबर होता है, क्लाइंबर, क्लाइंबर क्या करते हैं उसमें वो क्या करते हैं, वो किसी सपोर्ट के साथ, किसी के सपोर्ट लेके, या मींस उसमें क्या होता है, साथ का, साथ में जो जो भी प्लांट होगा उसका सपोर्ट लेके वो क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं। तो ये क्लाइंब करते हुए क्या करते हैं, उसके सपोर्ट के थ्रू वो ग्रो करते हैं, तभी उसको बोलते हैं हम थिकमोट्रॉपिज्म, ठीक है। ओके, द पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रो
with the support, support of other plants. इसको कहते हैं हम thigma means touch या support. Okay. Next type of movement वो है nastic movement. Okay. Nastic movement. ओके यहां से नोट कर लेना है. ओके नेस्टिक मूवमेंट. ओके इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है. ये डायरेक्शन रिस्पॉन्स करता है किसको, स्टिमुलस को. अब यहां पे क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल मींस यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिया है, जैसे कि मिमोसा प्लांट या टच मिनोर प्लांट या कहते हैं उसको हम चुई मुई कहते हैं. ठीक है. अब इसका जो प्लांट होगा, प्लांट ये जो प्लांट होगा, जैसे कि ये प्लांट होता है, ये जो इसके बीच का मिड रिब होगा, यहां से क्या करता है प्लांट, ये प्लांट का जो लीफ है ऐसा होता है. मिमोसा प्लांट का लीफ जो है ऐसा होता है. जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं या इसको हम टच करते हैं तो इसका जो लीफ क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं, मगर किस तरफ, नॉन डायरेक्शन. डायरेक्शन रिस्पॉन्स नहीं करते हैं स्टिमुलस को. यहाँ पे क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होता है. हम जैसे कि कहीं पे ये इस प्लांट को हम क्या करेंगे, टच करेंगे तो इसका लीफ क्या करेंगे, इसका जो लीफ है या इसका फ्लैप होगा वो क्या करते हैं, वो ऐसे करके बंद कर देते हैं. ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लैप है ये बाद में क्या होंगे, हम जैसे ही वहां से हाथ हटाया तो उसके बाद क्या होगा, वो जो फ्लैप है उसी जगह में क्या होगा, रिवर्स होगा. मगर इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, वो जितना भी होगा मूवमेंट जो है इसमें रिवर्स नहीं होता है. इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल. जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो जा रहा है. जो रूट आपने देखा होगा, जो रूट हमेशा क्या रहता है, वो सॉइल के अंदर रहता है, वो कभी बाहर निकलते हुए नहीं देखेंगे हम. जब आप वहां से सॉइल से पुल नहीं करेंगे वहां से बिल्कुल नहीं निकलेंगे. मगर यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने हाथ हटाया वो क्या होगा, उसका जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन में वापस आ जाएंगे. तो उसको बोलते हैं हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं. वैसे क्या होता है, अब इसका ये जो है अभी ऐसा है, हाथ लगाने के बाद इसका जो लीफ होगा कैसा होगा, ऐसे मुड़ के, ऐसे इस तरफ ऐसे मुड़ के देखिए आप. अब बाद में जिसे आपने हटाया ये क्या होता है, रिवर्स बन जाते हैं. ओके. अब इसमें नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिया है वो है रिस्पॉन्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप आपको पता होगा. वेनस फ्लाई ट्रैप जो है इसका जो मुंह होता है, जो फ्लावर होगा वो फ्लैप क्या करेगा, जब कभी भी इसके अंदर इंसेक्ट घुसेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उसको बंद कर देते हैं. बाद में क्या होगा, वो इसके अंदर डाइजेस्ट करने के बाद, उसको खाने के बाद वो फिर रिवर्स आ जाएंगे. ठीक है. तो इसके साथ आज हम यहीं पे छोड़ते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये डेफिनेशन, थोड़ा ये हेडिंग को हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद मूवमेंट जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है उसको भी हमने डिस्कस किया. ओके. आज हम यहीं पे छोड़ देते हैं. तो कल हम एक नया टॉपिक लेके यहाँ पे पेश होंगे. तब तक जुड़े.